नोटिस अपडेट आ गया है और ये जो अपडेट हुआ सीजीएल एग्जामिनेशन 2020 को लेकर के, जिसमें से डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द इवेल्यूशन ऑफ टायर थ्री डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो इसमें जो है टायर टू का रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और इसमें जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका अब टायर थ्री यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का यहाँ पे इवेल्यूशन होगा। तो यही एक नोटिस है, तो इसके बारे में आप लोगों को भी पूरी जानकारी को बताता हूँ। तो जो चैनल में नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर जो है सीजीएल एग्जामिनेशन टायर टू 2020 फ्रॉम 8/28/2022 से 29/1/2022 एंड 3/2/2022 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड एंड टायर थ्री डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन 6/2/2022 एट डिफरेंट सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एग्जाम हुआ था टायर टू का वो हुआ था 28 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को, और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो टायर थ्री जो था वह 6 फरवरी 2022 को था। इसमें फिर क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर था परफॉर्मेंस ऑफ टायर वन एंड टायर टू एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्ट कैटेगरी वाइज फॉर इवेल्यूशन ऑफ देयर टायर थ्री, द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन टायर टू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवेल्यूशन ऑफ देयर टायर थ्री डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। सेपरेट कट ऑफ हैज बीन फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर फॉर द पोस्ट अदर देन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है कि यहाँ पे टायर वन और टायर टू एग्जामिनेशन को लेकर के यहाँ रिजल्ट को जारी कर दिया गया है कैटेगरी वाइज, और इसमें जो है टायर थ्री का वहाँ पे अब इवेल्यूशन होगा, और इसमें जो कैंडिडेट टायर टू में पास नहीं है वे लोग इवेल्यूशन ऑफ टायर थ्री के लिए नॉट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है कि जो टायर टू में पास हैं उन्हीं का अब टायर थ्री का डिस्क्रिप्टिव पेपर में इवेल्यूशन होगा, और इसको साफ साफ देखना, और उनको आगे का जो भी सिलेक्शन है उसके लिए उनको चुना नहीं गया है ये भी कहा गया है। साथ ही साथ में आप लोग इस चीज़ को सेपरेट में जो चीज़ दिया गया है वो भी अलग अलग से दिया गया है। ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, जे एस ओ है, जे एस ओ के बारे में, ए ओ के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पेपर वन एंड पेपर टू हुए वे शेड्यूल इन सिंगल शिफ्ट ऑन, ये आप लोगों को डेट जो दिया गया वो देखा 29/1/2020 वाइल पेपर थ्री एंड पेपर फोर वेयर शेड्यूल्ड इन ए सिंगल शिफ्ट ऑन 28/1/2022 हाउबट यू टू अन एवेडेबल सर्कमस्टांस द एग्जामिनेशन इन वन वेन्यू हैड टू बी कंडक्टेड ऑन 3/2/2022 इंस्टेड ऑफ 29/1/2020 फॉर द एफिडेट कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे चाहे ये सारे आप लोगों को देखना है, सिंस द एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड ऑन वन शिफ्ट एंड सिंस द नंबर ऑफ एफिडेट कैंडिडेट्स हु इज एग्जाम्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 3/2/2020 इज लेस देन 0.5 ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स, नो नॉर्मलाइजेशन वाज डन व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ टायर टू ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिया गया वो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है वो सबको देखते हैं। तो नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेज हु हैव स्कोर मिनिमम मार्क्स इन ईच पेपर ऑफ टायर टू एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो है मिनिमम मार्क्स और पेपर में लाए होंगे टायर टू का उन्हीं को अब नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। वो देखिए यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% था। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग क्वालिफाइड इन टायर टू फॉर एवल्यूशन ऑफ टायर थ्री एग्जामिनेशन एज आर फॉलो। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज जो नंबर दिया गया है वो कितने कितने मार्क्स लाए हैं और उनका जो है अब टायर थ्री के लिए इवेल्यूशन के लिए बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे है लिस्ट वन में AAO के लिए है, ST SC ST और OBC का दिया गया है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं पेपर वन टू और थ्री यहाँ पे दिखाया गया है। उसके कैंडिडेट टेबल जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं 300, 145 और 540। इसके अलावा में आप लोग यहाँ पे यहाँ अगला जो है पेज में दिया गया है तो टोटल है 1652 यानी कि 1652 कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया गया है। उनका जो है यहाँ पे मार्क्स भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से है, कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जिसमें से पेपर वन पेपर टू और पेपर थ्री कर सबका दिया गया है मिला करके। और अब यहाँ पर टायर टू फॉर एवल्यूशन ऑफ देयर टायर थ्री एग्जामिनेशन इन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, तो यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जे एस ओ का दिया गया है। यहाँ पे सर कैंडिडेट्स का कैंडिडेट कैटेगरी वाइज इसमें 2309
9 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। ये JSO के लिए था, और उससे पहले जो था वो था आपका AAO के था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में है AAO और JSO का, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टायर 2 फॉर इवेल्यूशन ऑफ देयर टायर 3 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट अदर देन AAO एंड JSO। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि AAO और JSO के अलावा में जो भी पोस्ट थे अलग से पोस्ट, उनका किस प्रकार से कटअप और कैटेगरी किया है, कैटेगरी के हिसाब से उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 31,946 कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं, और यहाँ पे जो है आप लोग कटअप मार्क्स को देख सकते हैं, टायर 1 और टायर 2 का दिया गया है, और यहाँ पर जिसमें से पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला करके बताया गया। तो आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे फिर देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विथ रिगार्ड ऑफ द आंसर की ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन हैव बीन केयरफुली एग्जामिन एंड द आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड वेयर एवर नेसेसरी द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन 5/5/2022 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। यहाँ पे है 5/5/2022 तक, यानी कि इस तारीख तक में आप लोगों को ये अपलोड रहेगा 1 महीना के लिए, ये आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 5 मई तक का आप लोगों को डेट दिया गया है, ये आप लोगों को फाइनल आंसर की को भी दे दिया जाएगा। मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड विल बी होस्टेड ऑन द कमीशन वेबसाइट ऑन 5/5/2022। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स फ्रॉम 5/5/2022 से 26/5/2022 बाई यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर पासवर्ड एंड देयर आफ्टर क्लिकिंग द रिजल्ट मार्क्स लिंक ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो आप लोगों को साफ साफ देखना कि 5 मई से लेकर के आपको 26 मई तक में आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड है, वे लोग अपना इंडिविजुअल मार्क्स को देख सकते हैं। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ साथ में पासवर्ड डाल करके आप लोग डैशबोर्ड में मार्क्स एंड रिजल्ट में क्लिक करके देख सकते हैं, ये साफ साफ है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अंडर सेक्रेटरी 26/6/2022, तो आज का ये अपडेट है। तो यहाँ पर CGL एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट जारी हो चुका है, और जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं उनको अब टायर 3 के लिए यहाँ पर इवेल्यूशन किया जाएगा।